हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री फॉर क्लास 8 एंड द चैप्टर नेम इज यूरोपियन पावर इन इंडिया। ओके, दिस इज द पार्ट 3rd वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। अंडरस्टैंड, इफ यू हैवंट वॉच पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, एट फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। ओके, you can get part 1 video and part 2 video links from description, or you can get also from I button, understand। to isse pehle part 1 video aur part 2 video ko upload kiya gaya tha, agar aap dekh liye hain to koi baat nahi, tab aapko ye video samajh mein aayega। otherwise agar aap nahi dekhe hain to sabse pehle part 1 video and part 2 video ko dekhen, then is video ko dekhen, understand। तो पार्ट टू वीडियो में हम लोग, पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो में हम लोग यूरोपियंस पावर्स के बारे में देखे थे कि यूरोपियन कंट्री हमारे देश में क्यों आया था, है ना, और कौन कौन आया था, कौन कौन सा यूरोपियन कंट्री आया था, तो वो सब लोग देखे थे। अदरवाइज फिर हम लोग मेनली इंग्लिश यानी ब्रिटिश के बारे में पार्ट टू में देखे थे। ओके, एंड नाउ इन दिस वीडियो we are going to learn about conquest of Bengal। okay, we are going to study about conquest of Bengal, yani British company Bengal ko jeet gaya tha, to usse related hum log is video mein dekhenge ki Bengal ko kaise wo capture kiya tha। clear hai, jaise part 2 video hum log ye dekhe the कि वो साउथ इंडिया में, यानी साउथ इंडिया को कैप्चर किया था, साउथ इंडिया में युद्ध लड़ा था, तो वहाँ यानी साउथ इंडिया उसका कैप्चर हो गया था। और ये आपको याद होगा पार्ट टू वीडियो में उनमें ब्रीफली थोड़ा सा बताया गया था, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी लर्न करेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ स्टार्ट। The English, having already established their supremacy in the south, were now ready to spread their wings in other directions। हम लोग ये देखे थे कि English यानी British company already अपना supremacy यानी power south India में कर लिया था। अब वो चाहता था कि Bengal में मेरा wings फैले, है ना, पूरा यानी Bengal को कब्जा करना चाहता था। क्लियर है? नाउ बाय द ट्रेजेस एंड द डिसाइटफुल मीन्स द ब्रिटिश पीटेड वन रूलर अगेंस्ट द अदर। मतलब ये करता था कि एक रूलर को दूसरे रूलर से लड़ाना चाहता था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स बंगाल वाज रूल्ड बाय इंडिपेंडेंट रूलर्स। वैसे जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे, जब आप मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, है ना, औरंगजेब के डेथ के होने के बाद मुगल्स या मुगल एम्पायर डिक्लाइन की ओर जाने लगा था। क्लियर है? तो जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ था 1717 में, तो क्या हुआ कि मुगल यानी औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स बना वो उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि पावरफुल नहीं था, या उतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं था, उतना योग्य नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ कि मुगल्स डिक्लाइन की ओर चलता गया। तो जैसे ही मुगल्स डिक्लाइन की ओर चलता गया, यानी मेन जो रूलर्स था वो कमज़ोर होता गया, तो जहाँ जहाँ उसका आप कह सकते हैं प्रोविंस था, जहाँ जहाँ उसका अलग अलग जगह था, तो वो सब इंडिपेंडेंट होने लगा, है ना। यानी जैसे कि वहाँ नवाब बना दिया जाता था, गवर्नर बना दिया जाता था अलग अलग, जैसे बंगाल में, है ना, नवाब था सिराजुद्दौला, या अभी हम लोग पहले अलीवर्दी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब क्या हुआ कि देखा राजा कमज़ोर हो गया है, है ना, तो वो सब यानी खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, यानी इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अलीवर्दी खान रूल्ड ओवर बंगाल एंड उड़ीसा इफिशियंटली फ्रॉम 1740 to 1756। यानी अलीवर्दी खान जो कि बंगाल और उड़ीसा में शासन किया था, वैसे अगर हम लोग बात करेंगे ये 1740 to 1756 की बात है, तो हम लोग सिर्फ बंगाल ही कहेंगे, बिकॉज वो पूरा एरिया, पूरा रीजन बिहार,
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जो प्रेजेंट में है, ये सभी बंगाल उस समय कहा जाता था। तो पूरे बंगाल में वो शासन कर रहा था अलीवर्दी खान, कब से कब तक? 1740 से लेकर 1756 तक। ही अंडरस्टूड द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एंड केप्ट देम अंडर चेक। उन्होंने यानी अलीवर्दी खान ब्रिटिश कंपनी का या ब्रिटिश का मेन इंटेंशन जान गया था, जान यानी समझ गए थे कि इसका मेन इंटेंशन क्या है। यानी वो लोग तो यानी ब्रिटिश कंपनी जब आया खुद को ये दिखाता था कि मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, कैप्चर कर रहा था अलग अलग पार्ट को, बिकॉज कि वो साउथ इंडिया को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था। तो जब बंगाल की तरफ आया, बंगाल कैप्चर करना चाह रहा था, तो वो अलीवर्दी खां उस समय उस जो रूलर्स था बंगाल का, उन्होंने समझ गया कि इसका क्या इंटेंशन है। क्लियर है? दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। यानी अलीवर्दी खां उनको अलाउड नहीं किया कि मतलब आप यानी परमानेंट सेटलमेंट्स आप कह सकते हैं, यानी फोर्टिफाई होना था किलाबंदी करना। तो उस जहाँ उसका सेटलमेंट्स था, जहाँ पर वो लोग रहता था ब्रिटिश, है ना, तो वो अलाउड नहीं किए थे कि ये पूरा बाउंड्री वॉल आप कह सकते हैं, उसको किलाबंदी कहा जाता है, फोर्टिफाइड करे। क्लियर है? इन 1756 अलीवर्दी खान डाइड। 1756 में अलीवर्दी खान डेथ कर गए थे। एंड सिराजुद्दौला द सन ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर, यानी सिराज अलीवर्दी खान के जो सबसे छोटी बेटी थी, यंगेस्ट डॉटर है ना, उनका बेटा ये थे सिराजुद्दौला। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, नातिन यानी थे ये अलीवर्दी खां के। तो उनको वो रूलर बना दिए थे, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, यानी बंगाल को नवाब बन गए थे। कौन? सिराजुद्दौला, है ना। हिज रिलेटिव्स डिसलाइक्ड हिम एंड प्लान टू ओवरथ्रो हिम। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में, अलीवर्दी खां का बेटा नहीं था? बिल्कुल बेटा नहीं था, तभी तो वो बेटी के बेटा को बनाए थे नवाब। क्लियर है? तो और भी बेटी था, उसके पास भी बेटा था, तो बाकी सब जो रिलेटिव था यानी और भी अदर बेटी जो था और उनका उनका बेटा, तो वो सब क्या हुआ कि मतलब डिसलाइक किया ये, मतलब कि चाहता नहीं था कि सिराजुद्दौला नवाब बने, या फिर सिराजुद्दौला नवाब बन गया तो वो उसे पसंद नहीं हुआ। वो चाहता था कि मैं इसको ओवरथ्रो करके मैं खुद बन जाऊँ। क्लियर है? द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड गेन फ्रॉम दिस इंस्टेबिलिटी। मीन्स ये हुआ कि जो अब कहा जाता है ना, जब आप अपने में झगड़ा कीजिएगा तो बाहर वाला फायदा उठाएगा ही, है ना, बाहर वाला को और मौका मिल जाता है अगर आप भाई भाई में लड़ेंगे तो। जैसे आप यहाँ का सिराजुद्दौला और उनकी मतलब मौसी का बेटा या मौसी, तो ये सब एक रिलेटिव हुआ, एक ही घर का आदमी हुआ, तो जब आप अपने में लड़िएगा तो बाहर वाला फायदा उठाएगा ही। उसी तरह हुआ, इस मौका का फायदा उठाना चाहा ब्रिटिश। क्लियर है? एज सून एज सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इंग्लिश मर्चेंट्स। क्लियर है? यानी जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बना तो वो उसका मतलब कन्फ्लिक्ट जो है मतलब फ्रीक्वेंटली होने लगा इंग्लिश मर्चेंट्स के साथ। In 1717, the Mughal Emperor Farrukh Siyar gave the British the right to have duty-free external trade. यानी मैंने आपको बताया था औरंगजेब का डेथ हुआ था 1717 में, तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब फरुख सियार बिकेम द एम्पायर ऑफ मुगल, है ना, मुगल का एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का एम्पायर या फिर किंग कौन बना था? फरुख सियार बना था। तो फर्रुख सियार क्या किया था, ब्रिटिश को राइट दे दिया था ड्यूटी फ्री, मींस ये विदाउट टैक्स, ड्यूटी फ्री मींस विदाउट टैक्स एक्सटर्नल ट्रेड, यानी बाहर का ट्रेड करने के लिए मतलब ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री कर दिया कि आप अदर बाहर से आप ट्रेड करेंगे तो आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन क्या हुआ, कहा जाता है जैसे आप पावर दे दीजिएगा तो उसका गलत फायदा उठाएगा ही कोई। तो वो क्या काम किया ब्रिटिश, आप यहाँ देख रहे हैं एक्सटर्नल पावर यानी एक्सटर्नल ड्यूटी फ्री कर दिया था फर्रुख सियार। और आपको मैंने पहले बताया था औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स आया वो उतना पावरफुल नहीं था, याद रखना है, ठीक है।
The British extended this privilege to internal trade also and refused to pay transit duties, which were supposed to be paid both by Indian and foreign traders. Means ये हुआ कि ये फायदा, यानी इसको ये पावर मिल गया था ब्रिटिश को कि एक्सटर्नल ट्रेड आप अगर करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़े. बट ये क्या काम किया, एक्सटर्नल में तो टैक्स फ्री कर ही दिया था, तो ये अपने से खुद से इंटरनल ट्रेड भी करता था तो टैक्स देने से ये मना करने लगा. कौन? ब्रिटिश. बिकॉज ये जानता था फर्रुख से इतना पावरफुल रूलर नहीं है, है ना. तो जो भी मतलब टैक्स बनता था वो ये देने से मना कर दिया. कौन? ब्रिटिश. किसको? फर्रुख सियार को. इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग्स बाय द नवाब, है ना, नवाब के वार्निंग के बावजूद द ब्रिटिश स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट फोर्ट विलियम एंड नवाब्स ऑफिशियल्स वर इंसल्टेड व्हेन दे रजिस्टर्ड. मीन्स ये हुआ कि नवाब यानी सिराजुद्दौला उस समय था, तो सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद, सॉरी उसमें सिराजुद्दौला जिस समय की बात हो रहा है सिराजुद्दौला नहीं था, है ना, अली वर्दी खान था. तो कह रहा है कि यहाँ पर कि नवाब के मना करने के बावजूद इसने क्या काम किया, ब्रिटिश अपने फैक्ट्रीज को, जहाँ कहाँ था फैक्ट्री, फोर्ट विलियम में, उसको फोर्टिफाइंग करने लगा, यानी किलाबंदी करने लगा. आप अपनी भाषा में कह सकते हैं बाउंड्री वॉल करने लगा, है ना. और जो भी नवाब्स का ऑफिशियल्स था, जो भी ऑफिसर्स वहां गया मना करने के लिए, तो उसको इंसल्ट किया. कौन किया इंसल्ट? ब्रिटिश. क्लियर है? याद रखना है फोर्ट विलियम कहां है? वेस्ट बंगाल में. ओके, नाउ एनॉइड बाय दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के एनॉइड से सिराजुद्दौला अटैक्ड कासिम बाजार एन इंग्लिश फैक्ट्री एंड कैप्चर्ड कलकत्ता. ओके, तो इससे तंग आकर सिराजुद्दौला कहां अटैक किया था? कासिम बाजार एंड इंग्लिश फैक्ट्री पे एंड कैप्चर्ड कलकत्ता, यानी कोलकाता को कैप्चर कर लिया था. कौन? सिराजुद्दौला. As the attack was unexpected, यानी ये जो अटैक था इंग्लिश यानी ब्रिटिश को, ये ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सिराजुद्दौला अटैक कर देगा, ये अनएक्सपेक्टेड था. मैनी इंग्लिश ऑफिशियल्स सेव्ड देयर लीव्स बाय टेकिंग शेल्टर एट फुलटा. फुलटा एक जगह का, अक्रॉस द रिवर गंगा, यानी फुलटा एक जगह का नाम है. तो वहाँ मतलब ये अपना शेल्टर को किया था. कौन? इंग्लिश ऑफिशियल्स, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड अटैक था, तो इसलिए जैसे जैसे हुआ जहां हुआ भागा सब, है ना. सम ऑफ देम डाइड ऑफ सफोकेशन घुटन, यानी कुछ घुटन से मर गया था. व्हेन दे वर कन्फाइंड इन अ स्मॉल डुंगियन कालकोठरी, डुंगियन में होता है कालकोठरी, यानी छोटा सा एक जगह में मतलब वो लोग छिपा था, या फिर आप कह सकते हैं उसको बंद कर दिया गया था. जैसे आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर एक स्मॉल सा रूम है, छोटा सा रूम है, और उसमें बहुत सारा आदमी को भर दिया जाएगा, बहुत सारे आदमी को, सपोज दैट कि उस रूम का कैपेसिटी है 10 आदमी का, मतलब उसमें आ जाएगा, लेकिन अब कोई आदमी उसमें 30 आदमी उसको उसमें कर देगा, जबरदस्ती बंद कर देगा, 40 आदमी जबरदस्ती बंद कर देगा, तो क्या होगा? सभी आदमी मतलब आफ्टर सम टाइम्स वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो घुटन से सभी आदमी मर जाएगा. तो ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही अटैक किया था सिराजुद्दौला इंग्लिश फैक्ट्री पे, तो इंग्लिश ऑफिशियल्स जो भी था वहाँ से भागा, तो एक जगह जहाँ वो छिपा था शेल्टर में, एक स्मॉल एक छोटा सा काल कोठरी था, उसमें सभी छिप गया था, तो सफोकेशन यानी घुटन से वो लोग मर गया था. क्लियर है? एंड याद रखना है दिस इंसिडेंट, यानी यह घटना इज नोन एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी इस घटना को, इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है. क्लियर है? तो नेक्स्ट इज रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फ्रॉम मद्रास. रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था? मद्रास में था, यानी जो प्रेजेंट में चेन्नई आप कहते हैं. अलॉन्ग विथ एडमिरल वाटसन एंड हिज फ्लीट. फ्लीट मीन्स होता है बेरा, यानी काफ़ी फौज के साथ रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन आया था. दे रिकैप्चर्ड कलकत्ता, कोलकाता यानी अर्ली इन 1757. यानी कह रहा है कि जो वो रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो वो
1757 अर्ली यानी स्टार्टिंग में ही जनवरी फरवरी मंथ में ही कोलकाता को फिर से कैप्चर कर लिया था। सिराजुद्दौला साइंड आ ट्रीटी, क्योंकि होता क्या था पहले एक समय में या अंग्रेज टाइम में कि अगर हार जाता था मतलब कोई भी तो उसके बाद ट्रीटी होता, चाहे कोई भी हारे तो ट्रीटी होता था। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिकैप्चर्ड कोलकाता, यानी कोलकाता को रिकैप्चर्ड कर लिया था। इससे पहले आप ये पढ़े थे कि सिराजुद्दौला कोलकाता को जीत लिया था, कब्जा कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फिर से कौन कब्जा कर लिया था रिकैप्चर? ब्रिटिश। तो अब क्या यानी हार कौन गया यहाँ पर, किसके हाथ से चला गया कोलकाता? सिराजुद्दौला के हाथ से। तो कौन साइंड किया ट्रीटी? सिराजुद्दौला क्लाइव के साथ, ठीक है। द ब्रिटिश गॉट बैक देयर पोजेशंस। अब ब्रिटिश जो है फिर से वापस अपने पावर में आ गया, अधिकार में आ गया, एज वेल एज द राइट टू ट्रेड फ्रीली। और लास्टली क्या हुआ कि फ्रीली ट्रेड करने के लिए वो उसके उसे राइट मिल गया। द ब्रिटिश ऑल्सो प्रोमिस दैट, ब्रिटिश प्रोमिस्ड भी किया था, ब्रिटिश ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर विद द गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। दिस प्रोमिस वॉज नेवर कैप्ट। यानी जब ट्रीटी हुआ था दोनों के बीच में, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश के बीच में, यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, तो उसमें ये ब्रिटिश प्रोमिस्ड किया था कि मैं यानी आपको ब्रिटिश कंपनी या फिर ब्रिटिश कोई भी ऑफिशियल्स आपके जो भी पर्सनल या फिर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका जो भी वर्क होगा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ कि जो होता ही था, जब आप और डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश का यही नेचर था, अंग्रेज का यही नेचर था, लड़ता था, ट्रीटी करता था, उसके बाद फिर इंटरफेयर करता था, प्रॉमिस करता था कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर इंटरफेयर करता था, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि जो वो प्रॉमिस करता था खुद और खुद वो तोड़ता था। क्लियर है। सिराजुद्दौला ओन ऑफिशियल्स, सिराजुद्दौला का खुद का जो ऑफिशियल्स था, यानी उसका जो भी ऑफिसर्स लोग था एंड रिलेटिव्स, आप पहले देखे रिलेटिव्स यानी मौसी, उसका मौसेरा भाई, ये सभी, एंड द बैंकर्स, बैंकर्स उस समय जो था कॉल जगत सेठ, वर ऑल अगेंस्ट हिम, ये सभी उससे अगेंस्ट था। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी, मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के आर्मी का चीफ था, वॉन्टेड टू बिकम द नवाब हिमसेल्फ, यानी खुद वो चाहता था नवाब बनना, कौन? मीर जाफर। एंड नेगोशिएटेड विथ क्लाइव, यानी क्लाइव से मिला, बातचीत किया, नेगोशिएट हुआ, विथ द हेल्प ऑफ अ बैंकर कॉल्ड अमीन चंद, यानी अमीन चंद एक बैंकर था, है ना, उससे, बैंकर मीन्स आप यहाँ पे सब कह सकते हैं कि जो उस समय के लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वाला होता था तो वो अलग अलग लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देता था, उसी को बैंकर कहा जाता था। तो अमीन चंद के हेल्प से मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से मिला, यानी ब्रिटिश से मिला, अंग्रेज से मिला। क्लियर है वो क्या हुआ था। यानी अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देना चाह रहा है, यानी धोखा देगा। क्लियर है। इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ सिराजुद्दौला, क्लाइव साइंड अ ट्रीटी विथ मीर जाफर, यानी रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि सिराजुद्दौला से मुझे छुटकारा मिल जाए। गेट रीड ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, मीन्स होता है छुटकारा पाना। अगर आप नहीं जानते आप लिख लीजिए। तो वो क्या काम किया रॉबर्ट क्लाइव? मीर जाफर से ट्रीटी पे साइन कर लिया, इन दोनों मतलब छिप कर ये संधि कर लिया, ट्रीटी कर लिया। क्लाइव प्रोमिस्ड टू मेक मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल इन एक्सचेंज ऑफ लार्ज कंसेशंस फॉर द कंपनी एंड फेबुलस वेल्थ फॉर हिमसेल्फ। यानी क्लाइव ने ये प्रोमिस्ड किया मीर जाफर से कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, है ना, और करना क्या है कि जब सिराजुद्दौला हार जाएगा, नवाब तुम बनोगे, तो फिर क्या करना है कि मतलब कंपनी को बहुत ही ज़्यादा तुम्हें कॉन्सेशन देना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा, और वेल्थ देना पड़ेगा, संपत्ति देना पड़ेगा। मतलब इसी तरह का ट्रीटी दोनों के बीच में हुआ। अंडरस्टैंड नाउ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल इज बैटल ऑफ प्लासी 1757। यानी आप कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी ही अंग्रेज को, इंग्लिश को, यानी इंडिया में आप कह सकते हैं यहीं से इसका रूल स्टार्ट हो गया था।
Understand? The beginning of British political sway over India may be traced to the Battle of Plassey in 1757. बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी एक जगह का नाम है जो कि बंगाल में है ना, तो वहीं हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, क्लियर है। दिस बैटल वाज फाउट बिटवीन द इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। ये बैटल किसके बीच हुआ था? इंग्लिश यानी ब्रिटिश कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच में, क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मीर जाफर, देख लिए आप कि अंग्रेज से ट्रीटी किया था, यानी वो धोखा देना चाहता था, कि धोखा दिया है ना। तो ये बात से वो अनजान था, कौन? सिराजुद्दौला। उसे ये नहीं पता था मीर जाफर मुझे धोखा दे देगा। तो अलग अलग होता था क्या, अलग अलग, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में किसी को भेज दिया जाता था युद्ध लड़ने के लिए, ना साउथ डायरेक्शन में किसी को, इसी तरह करके डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाता था। और मीर जाफर को जिस डायरेक्शन में दिया था, क्योंकि मीर जाफर धोखा देने वाला था, तो वो उस तरफ कुछ किया ही नहीं। लास्टली क्या हुआ, सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया, और उसके बाद अंग्रेज यानी इंग्लिश सिराजुद्दौला के प्लेस पैलेस में यानी महल में घुस गया। अब जब महल में कोई दुश्मन अगर घुस गया तो समझ जाइए आप ऑटोमेटिकली हार गए। तो इस बैटल में सिराजुद्दौला हार गया एंड पुट टू डेथ, और उसमें वो मर भी गया, डेथ भी कर गया। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी वाज मेड द नवाब। अब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था, क्लियर है। बट ही वाज अ मेयर पपेट, यानी मात्र वो कठपुतली था, है ना, नाम का वो नवाब बना था, इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश, यानी इंग्लिश का वो कठपुतली था ब्रिटिश कंपनी का, हु बिकेम द वर्चुअल रूलर्स ऑफ बंगाल। यानी ये सिर्फ वर्चुअल रूलर बना था, सिर्फ नाम मात्र का रूलर था ये बंगाल का, कौन? मीर जाफर। लेकिन सारा समझ सकते हैं आप, कौन कर रहा था शासन? वो इंग्लिश कर रहा था। क्योंकि वो देखिए होता था क्या, जब ब्रिटिश किसी भी रीजन को, किसी भी एरिया को वो जीतता था इंडिया में, तो वो खुद शासन नहीं करता था। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो खुद शासन नहीं करता था, वो उस एरिया का जो भी रहता था उसका कह सकते हैं चापलूसी करने वाला, उसका कठपुतली बनने वाला, तो उसी को वो बना देता था रूलर्स, है ना, ताकि वो चाहता था कि जनता के नजर में मैं अच्छा रहूं, क्लियर है। द इंग्लिश गॉट द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। और इससे क्या हुआ, इंग्लिश यानी ब्रिटिश फ्रीली अब बिजनेस करना स्टार्ट हो गया उसका बंगाल बिहार एंड उड़ीसा में, यानी टैक्स फ्री, एंड गॉट द ट्रिटी ऑफ 24 परगनास, है ना, पर मैंने 24 परगनास उसको मिल गया था। द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हेल्प द इंग्लिश टू डिफीट देयर यूरोपियन राइवल्स। यूरोपियन राइवल्स का जो था, जैसे आप पार्ट वन वीडियो में पढ़े थे, फ्रेंच एंड डच, तो इससे आप कह सकते हैं कि जो इसको हरा दिया था, है ना, यानी जब बंगाल, क्योंकि उस समय जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय अगर इंडिया में अगर बात करेंगे तो बंगाल बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, बंगाल बहुत मायने रखता था इंडिया में। इसीलिए जब बंगाल को जीत गया था ब्रिटिश, तो फ्रेंच और डच को हराना भी इसके लिए आसान हो गया था। दस द बैटल ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यानी इस तरह क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश के लिए एक वरदान साबित हो गया इंडिया में अपने एम्पायर का स्टेबलाइज करने के लिए, एंड पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश मास्टरी ओवर द होल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे वो पूरे देश पर शासन करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। यानी आप कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, मतलब आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश बिकम वेरी पावरफुल इन इंडिया, अंडरस्टैंड। अब पढ़ेंगे हम लोग मीर जाफर 1757 to 1760, यानी 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर रहा था, एंड देन मीर कासिम, है ना, मीर कासिम 1761 to 1764, इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश हैड मेड, यानी मीर जाफर को बना दिया था नवाब, आप पहले जान चुके हैं।
ही वॉज नॉट अ कैपेबल रूलर, वो कैपेबल रूलर नहीं था, कौन, मीर जाफर, बिकॉज वो ब्रिटिश का क्या था, कठपुतली था। द नवाब वॉज मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ही बताया था कठपुतली था वो। ही वॉज डिपोज्ड एंड मीर कासिम हिज सन इन लॉ, यानी दामाद, यहाँ क्या होगा सन इन लॉ, दामाद, तो मीर जाफर बना था नवाब उनके बाद, है ना, बंगाल का, सॉरी मीर कासिम, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना था बंगाल का नवाब। मीर कासिम वाज एन एबल गवर्नर ऑफ बंगाल, मीर कासिम क्या था, एक एबल गवर्नर था बंगाल का, कैपेबल रूलर था। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब ये क्या है, जैसे कि आप अभी जज देखे थे कि मीर जाफर क्या था, कठपुतली था ब्रिटिश का, लेकिन मीर कासिम जब आया तो मीर कासिम ये चाहता था कि कंपनी से फ्री खुद को करने के लिए। ही वॉज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल टू री असर्ट हिज अथॉरिटी, यही एक लास्ट नवाब थे बंगाल का जो खुद को री खुद के अथॉरिटी को खुद के पावर को री असर्ट किए। ही रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिमूव्ड इनकम्पिटेंट सर्वेंट्स एंड ऑल्सो दोज हु वर क्लोज टू द कंपनी, उन्हें इन्होंने क्या काम किया, खर्च को कम किया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च होता था उसको कम किया, और जो भी काम का सर्वेंट्स नहीं था उसको हटाया, और उस एम्प्लॉई को भी हटा दिया, एम्प्लॉयज को भी हटा दिया जो ब्रिटिश कंपनी से क्लोज था। क्लियर है। वैसे आप एक चीज़ ध्यान अभी नहीं दिए होंगे, अभी तक मैं आप जहाँ भी देख रहे ब्रिटिश कंपनी हमेशा लिखा हुआ आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंग्लिश यानी ब्रिटिश का जो रूल था वो टू फेज में था, यानी फ्रॉम 1600 आप नहीं कह सकते हैं, फ्रॉम मेनली लिया जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ही, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1757, है ना, 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश कंपनी का शासन था इंडिया में। किसका शासन था, ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। क्लियर है। एंड आफ्टर द आप सुने होंगे ये 1857 का क्रांति, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया था इंडिया में, यानी 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था इंडिया में। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 1757 से लेकर, या आप 1600 से जोड़ लीजिए, जैसे 1600 से जोड़ना सही नहीं है बिकॉज उस समय से उतना ज़्यादा शासन नहीं होता, ज़्यादा पावरफुल हुआ था 1757 से ही, 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश कंपनी इंडिया में शासन कर रहा था। कौन, ब्रिटिश कंपनी, नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है। एंड आफ्टर देन एंड टिल 1957 ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन किया। तो जब आप डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। नाउ सो द कंपनी नाउ डिसाइडेड टू ओवरथ्रो मीर कासिम, यानी क्योंकि मीर कासिम क्या है, अब इसका विरोध, ब्रिटिश का विरोध करने लगा, मीर कासिम को लग गया कि ब्रिटिश सही नहीं है, है ना, ब्रिटिश को हटाना चाह रहा था, ब्रिटिश से आप मतलब खुद को फ्री करना चाह रहा था। तो अब क्या हुआ कि कंपनी डिसाइडेड कर लिया कि मीर कासिम को ओवरथ्रो करने का। क्लियर है। द ब्रिटिश अनाउंस्ड मीर कासिम एज रूलर ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर जाफर एज रूलर ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर कासिम, यानी ब्रिटिश अनाउंस्ड कर दिया था मीर कासिम के जगह पर मीर जाफर का रूलर के लिए। क्लियर है। फाइनली अनदर बैटल नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट, है ना, फाइनली क्या हुआ, जब मीर कासिम को नहीं बनाया गया था यानी बंगाल का नवाब, तो लास्टली क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ, है ना, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था,
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन इन्वॉल्व था, है ना। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन जीता था। क्लियर है? सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।